थाना कमलानगर क्षेत्र के अंतर्गत वीकेंड लॉकडाउन में ब्रजविहार चौकी की पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर खास की सूचना पर चौकी प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब बेच रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 270 पौवा देसी शराब के बरामद हुए हैं। जहां एक ओर कोरोना महामारी से निपटने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर कालाबाजारी करने वालों के भी हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन के चलते जहां शहरवासी जरूरी सामानों के लिए भी मोहताज हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शराब माफिया धड़ल्ले से शराब की कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि थाना कमलानगर क्षेत्र के अंतर्गत ब्रज विहार पुलिस चौकी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर खास की सूचना पर चौकी प्रभारी अश्वनी कुमार ने टेम्पो को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को देख ऑटो चालक ने स्पीड बढ़ा दी। ब्रज विहार चौकी प्रभारी ने घेराबंदी कर ऑटो को रुकवा लिया। ऑटो रुकते ही ऑटो सवारों ने भागने की कोशिश कर, लेकिन पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 270 पौवे देशी शराब के बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों पर मुकदमा लिख जेल भेजने की तैयारी कर रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।